एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने अलग अलग वेबसाइट से मंगाई हैं, मतलब कुछ अमेज़न से हैं, कुछ फ्लिपकार्ट से हैं और कुछ लोकल शॉप से भी हैं। तो वही मैंने सोचा, ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये गिटार होल्डर। तो ये इस तरीके से जो है वो वॉल पे फिट हो जाएगा और यहाँ आपका गिटार जो है वो हैंग हो जाएगा। और नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है वो है ये चकला। जी हाँ, ये स्टील का चकला है, ये देखिए। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे और ये मुझे 350 में आई थिंक ऐसे कुछ मिला है। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस पे 40 या 70 रुपीज़ मेरा डिलीवरी चार्ज लगा था और बाकी जो है ये क्वालिटी वाइज अच्छा है। आप देखिए, ये बिल्कुल भी, अगर मैं इसको इस तरीके से पुश कर रही हूँ ना तो ये बिल्कुल बैंड नहीं हो रहा है। बस मुझे एक चीज़ जो इसमें लगी वो मुझे ये लगा कि जब मैं इस पर रोटी बेल रही हूँ तो झुक नहीं रहा है, दब नहीं रहा है, कितना भी प्रेशर लगाओ आप कोई दिक्कत नहीं है। ये हल्का सा से खिसक रहा है कपड़े पे रखते, क्योंकि मैं कपड़े पे रखती हूँ, नीचे कपड़ा बिछाती हूँ स्लैब पे, उसके बाद ये मैं रखती हूँ। तो क्या है ना कि ये थोड़ा सा मूव ऐसे ऐसे कर रहा है और अभी ये भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम लगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो मैंने ये ब्रैकेट्स मंगाए हैं। ये मुझे 2 का सेट रिसीव हुआ था, तो ये मैंने प्लांटर के लिए मंगाए हैं, प्लांट वगैरह हैंग करने के लिए। तो ये मैं घर के अंदर ही लगाने वाली हूँ। तो इसमें दोनों में एक एक इस तरीके से हुक लग के, इसके साथ में ही जो है वो इसके मिले हुए भी हैं, ये सब स्क्रू वगैरह सब मिले हैं। तो इस तरीके से हैंग हो जाएगा। इसमें क्या है ना, एक यहाँ पर आप हैंग कर सकते हो, एक यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है। लोग, कुछ लोगों के रिव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब थे इसको लेकर। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है 181 का और इस पर मेरा 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगा है। कुछ लोगों ने लिखा था कि उन्होंने जब प्लांट हैंग करा तो ये बैंड होने का उन्हें डर लग रहा था, पर मुझे ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। और देखिए, बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, तो प्लांट इतना भी ज़्यादा हैवी नहीं होता है और अच्छा खासा स्ट्रांग है, ये बिल्कुल भी हिलाने से हिल नहीं रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी और अभी जब मैं इसे हैंग करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी पिक्चर। और जो मैंने नेक्स्ट मंगाया है वो मैंने मंगाई है ये बॉटल्स। ये बॉटल मैंने जो है 8 के पैक में मिली है मुझे, जो मैंने अपने किचन में जो है वो सामान इसमें रख लिया है। तो मैंने बेसिकली ड्राई फ्रूट्स के लिए मंगाई थी, ये स्पाइस के लिए कंटेनर है, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए मंगाया था क्योंकि ड्राई फ्रूट्स निकालने में आसानी होती है और ये मूंगफली है या काजू बादाम जो भी चीज़ें बहुत ईजीली निकल जाते हैं। तो इसमें मैंने बहुत, मतलब अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स लगा रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्लिम और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगती है देखने में। मेरे किचन में जब लगी हुई है, जब मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी किचन टूर, तो उसमें आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मुझे तो बहुत पसंद आई और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार सी क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। ये मैंने मीशो से मंगाए थे, 8 का पैक था ये। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, वो मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आप मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो मैंने लिया है वो है ये एक प्लांटर। तो जी हाँ, ये एक बहुत बड़े साइज़ का प्लांटर है, काफ़ी बिग प्लांटर है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है और कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये मैंने नर्सरी से लिया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मुझे 150 रुपीज़ में मिला था। अंदर डायरेक्ट पॉट रख देती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, अपने सेंटर टेबल पर रखती हूँ। आप इसे कहीं पर भी जो है वो सजा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और जो मैंने मंगाया है वो है ये, जिसे मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है। ये मैंने लेबल्स मंगाए हैं कुछ, मैं खोल के दिखाती हूँ। जो किचन में लेबल लगाते हैं ना सारे कंटेनर्स वगैरह पे, वो मैंने ये लेबल ऑर्डर किए हैं। तो ये मुझे लेबल का सेट मिला है जो कि इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में, सब एक से ही हैं। तो मुझे आई थिंक ये 8 का पैक मिला है, एक तो ये 10 का पैक है, ये पूरे 10 में, मतलब इस तरीके की 10 शीट्स हैं, ऐसे देखिए आप, 10 शीट्स हैं। तो ये मैं जो है ये वाले कंटेनर जो है ना, इसमें मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और सब में जो है वो नाम मेंशन कर दूंगी। तो मेरे को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन किसी किसी चीज़ों में ना बड़ी दिक्कत होती है, जैसे बेकिंग सोडा होता है, अरारोट होता है, ऐसी बहुत सारी वाइट चीज़ें होती हैं ना जिनमें मुझे बड़ी दिक्कत होती है समझने में कि ये क्या है। तो इससे क्या होगा ना कि हमें पता चल जाएगा कि किस में क्या रखा हुआ है। अगला प्रोडक्ट जो है वो मैंने मंगाया है ये
जीवा से, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आया है। देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये ऐसे टिक टैक वाली पैकेजिंग है, यहाँ मैग्नेट लगी हुई है और इस तरीके से ये बॉक्स है। इसको रिबन को हम जब पुल करेंगे तो इसमें से ये इस तरीके का ये सेट मंगाया है मैंने। तो ये डॉल्फिन वाला सेट है, ये सिल्वर सेट है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये। देखिए आप, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो आई थिंक ये कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ जो है वो मुझे मिले हैं इसके इयररिंग्स, छोटू छोटू से इयररिंग्स हैं इसके, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ डॉल्फिन वाले इयररिंग्स मिले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, अगर आप लोग ऐसे पहनना पसंद करते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। तो अगला प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये कारपेट। तो ये बहुत अच्छे खासे बड़े साइज में है, ये 90 सेंटीमीटर में है और ये राउंड है। ये देखिए पूरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ये मुझे 609 रुपये का मिला था और काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। ये पहले हम लोग क्या चलते हैं ना दड़ी वगैरह, वो लंबी लंबी पट्टियाँ काट के चादर की या साड़ी की लेडीज़ लोग घर में बनाते थे, अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत वाइब्रेंट से कलर है इसमें। ये मैंने अपनी सेंटर टेबल के नीचे बिछाने के लिए मंगाया है। और बस ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालिनी शुक्ला सानिया। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।